नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्याकांड का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है, लेकिन पटना पुलिस के इस खुलासे पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। सरकार पर सवाल किए जा रहे हैं, साथ ही साथ पटना पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है, इस बीच चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के विरोधी एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। जी हाँ, चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने मांग रखी है कि वह रुपेश कुमार सिंह की हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए। दरअसल नीतीश कुमार को लिखे अपने खत में चिराग पासवान ने कहा है कि 12 जनवरी को इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जांच पटना पुलिस ने की और अब इसे रोडरेज का मामला बताकर केस बंद किया जा रहा है। बिहार पुलिस की जांच से परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं है। रुपेश के बड़े भाई कई वर्षों से जदयू के नेता रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य आपसे न्याय की उम्मीद करते हुए स्वर्गीय रुपेश कुमार सिंह की हत्याकांड जो हुई है उसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर ये बातें कही है। साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को याद दिलाया है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद उन्होंने किस तरह से नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और उनसे फोन पर बात कर सीबीआई जांच कराने की मांग रखी थी। एलजेपी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को याद दिलाया है कि उस वक्त मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि सीबीआई जांच की सिफारिश करना तभी संभव है जब परिवार का कोई सदस्य इसका आग्रह करे। व्यक्तिगत तौर पर चिराग का कहना है कि मुझसे उनके परिवार वालों ने संपर्क किया है। मीडिया के माध्यम से और सरकारी अधिकारियों से निवेदन कर परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। रुपेश कुमार सिंह के परिवार को लगता है कि मामले को गलत दिशा देकर के किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सरकार अविलंब इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करे। मतलब जो रुपेश कुमार सिंह है उनके परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग रखी है और चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को खत लिखा है और खत के माध्यम से उन्होंने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके परिवार वालों का भी कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, यानी कि सरकार पर सीबीआई जांच करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि डीजीपी ने एसएसपी के इस खुलासे पर मुहर लगा दी है, यानी कि डीजीपी ने एसएसपी को क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।